इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बता दिया है कि आत्मा को दुख क्यों होता है, किस कारण से इस जीव को दुख की प्राप्ति होती है, किस कारण से होती है? शरीर के निमित्त, शरीर धारण के कारण से दुख की प्राप्ति होती है। तो शरीर धारण क्यों करता है? कर्मों के कारण से, है ना। जो कुछ कर्म करता है शुभाशुभ, उन शुभाशुभ कर्म फल भोग के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, हैं? और शरीर धारण करने से क्या होता है? दुख प्राप्त होता है। तो कर्म क्यों होते हैं? राग आदि के कारण से, हैं? फल में, फल की आसक्ति, फल का राग होने के कारण क्या बनते हैं? कर्म बन जाते। राग क्यों है? अविवेक के कारण से। नहीं, राग क्यों है? अभिमान के कारण से। राग किस लिए है? अभिमान के कारण से। और अभिमान क्यों है? अविवेक के कारण से। और अविवेक क्यों है? अज्ञान के कारण से, है ना। और अज्ञान क्यों है? अज्ञान जो है वो किसी से नहीं है। अज्ञान क्या है? अज्ञान तो अनादि है और अनिर्वचनीय और क्या है, भाव रूप जो पदार्थ है वह क्या है? वह अज्ञान। और उस अज्ञान के कारण से ही वही मूल हुआ ना, शरीर धारण में और दुख प्राप्ति में मूल क्या हुआ? अज्ञान। अज्ञान ही बीज है। और इस अज्ञान की जो निवृत्ति है वो कैसे होगी? ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञाने सति, ब्रह्मात्मैकत्वे जाते सति। ब्रह्म आत्मा की एकत्व हो जाने पर क्या होगा? आत्मा का ब्रह्म के साथ में, जैसे नदी का समुद्र के साथ में क्या हो जाता है? एकत्व हो जाता है, एक रूप हो जाते हैं। जो नदियाँ अलग नाम और अलग रूप वाली थी, अब उसको क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। वैसे ही जब तक नाम रूप का भेद है तब तक जीव है, और नाम रूप का भेद अभिमान अहमता गलित हो गई तो क्या हो गया? ये ब्रह्म रूप हो गया।
जीव क्या हो गया, ब्रह्म में विलय हो करके ब्रह्म रूप, तो ब्रह्मात्मिकत्वे जाते सती, ब्रह्म आत्मा के एकत्व हो जाने पर अज्ञान की निवृत्ति हो जाती, और अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से अविवेक की निवृत्ति हो जाती है, अविवेक की निवृत्ति हो जाने से अभिमान की निवृत्ति हो जाती है, अभिमान की निवृत्ति हो जाने से राग आदि नहीं होता फल में, और जब फल में राग ना हो तो उपाधि के द्वारा कर्म होते हुए भी वे कर्म बांधने वाले नहीं होते, उन कर्मों का फल भोग के लिए शरीर प्राप्त नहीं करना पड़ता, और जब शरीर धारण नहीं होता तो फिर दुख भी नहीं होता। इस तरह सारे दुख शरीर कर्म राग अभिमान अविवेक सबका कारण क्या है, अज्ञान। समझ आया, और अज्ञान की निवृत्ति तो अब जान गए हैं, आत्मा की ब्रह्म रूपता का बोध होने अनुभूति होने पर निवृत्त होता है। आगे देखो, ननु नित्यानां कर्मणां विहितत्वाद् नित्येभ्यः कर्मभ्यो अविद्या निवृत्तिः स्यात्, किमर्थं ज्ञानेन इत्याशंक्य न कर्मादिना अविद्या निवृत्तिः तत्कुतः इति चेत्। हाँ जी, यहाँ पर कहते हैं कोई आ गया है शास्त्रार्थ करने के लिए, ननु नित्यानां कर्मणां विहितत्वात्, शास्त्रों में क्या है सबके लिए जो नित्य कर्म कर्मों का विधान है, क्या है नित्य कर्मों का विधान है कि नित्य कर्म करो, क्या करो, संध्या उपासना कुर्वीत, संध्याम कुर्वीत, क्या करो, एक तो संध्या करो, क्या करो, संध्या करनी चाहिए, आहार आहार अग्निहोत्रम जुहियात, और क्या करना चाहिए, रोज रोज हवन करना चाहिए, रोज रोज क्या करना चाहिए, नित्य कर्म है ये, क्या है नित्य कर्म, निमित्त नैमित्तिक कर्म और निषिद्ध कर्म है ना। तो नित्य कर्म क्या है, संध्या उपासना करना है, और पंचदेव उपासना करना है, पंच बलि वैश्वदेव उपासना करना, ये सब क्या है नित्य कर्म, स्नान आदि करके संध्या उपासना करें। तो नित्यानाम कर्मणाम विहितत्वात्, नित्य कर्मों का विधान किया हुआ है, विहित किए हुए हैं, तो नित्येभ्यः कर्मभ्यो अविद्या निवृत्ति स्यात्, तो क्या नित्य कर्मों से ही क्या हो जाएगी, अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, नित्य कर्मों से ही क्या हो जाएगी, अविद्या की निवृत्ति हो जानी चाहिए, ऐसा बोल रहा है, ऐसा है नहीं। एक होता है सिद्धांती और दूसरा है पूर्व पक्षी, जो क्या कर रहा है, कहता है कि जी नित्य कर्मों का विधान वेदों में है ही, और नित्य कर्मों से ही अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, किमर्थम ज्ञानेना, फिर ज्ञान क्यों, ज्ञान के द्वारा ही क्यों कह रहे हो, नित्य कर्मों से अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी ना, इत्याशंका, ऐसी किसी को आशंका हो, ना कर्मादिना अविद्या निवृत्ति, कर्म आदि के द्वारा अविद्या की निवृत्ति
नहीं हो सकता किसी भी कर्म से, और आदिना से ले लेना उपासना भी। तो कर्म उपासना आदि के द्वारा अविद्या की निवृत्ति नहीं हो सकती है। तत्कुता इति चेत, ऐसा क्यों कहते हो जी है? कि कर्म के द्वारा अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी। तत्कुता इति चेत, ऐसा कहाँ होता है? तो कहते हैं कर्म ज्ञान योर विरोधः भवेत्। कर्म और ज्ञान का जो है विरोध हो जाए, क्या हो जाएगा? कर्म और ज्ञान का विरोध होने से ज्ञान के द्वारा ही अविद्या की निवृत्ति होती है। यहाँ पर देखो क्या है, कर्म और अविद्या विरोधी चाहिए ना। जैसे अंधेरा है, अंधेरे का विरोधी क्या है? प्रकाश। प्रकाश के होने से ही अंधकार दूर होगा, बाकी कुछ करते रहे हैं अंधकार दूर नहीं होगा। वैसे ही जो कर्म है ना, कर्म तो होते ही अविद्या में है। कर्म किस में होते हैं? अविद्या में ही कर्म होते हैं ना। तो जो कर्म है वो अविद्या का विरोधी नहीं है, सहायक है। कर्म जो है वो अविद्या के विरोधी है या सहायक है? अविद्या का, अज्ञान का विरोधी तो क्या है? ज्ञान ही है ना। ज्ञान से ही अविद्या, अज्ञान दूर हो सकता है, कर्म से नहीं। क्योंकि कर्म तो अविद्या में और सहायक है। कर्म तो क्या है? अविद्या में सहायक है। इसीलिए कर्मों से अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी, कर्मों से अविद्या दूर नहीं होगी। अविद्या तो केवल ज्ञान से ही दूर, और ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ भी नहीं कर सकते। क्योंकि कर्म करने में क्या है? अभिमान करना पड़ता है। कर्म करने में क्या है कि मैं शरीर हूँ, या मैं जीव हूँ, या मैं अमुक गोत्र में हुआ हूँ, या अमुक मेरा नाम है, ऐसा बोल करके ही क्या करते हैं? कर्म करते हैं ना। और यहाँ पर तो क्या करना है? सारा नाम रूप का जो अभिमान है उसको ज्ञान मार्ग में तो मिटाया जाता है ना। तो दोनों बिल्कुल बिल्कुल विरोधी है, बिल्कुल विरोधी है। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गई कि एक तो कर्म के द्वारा अविद्या की निवृत्ति नहीं हो सकती, ज्ञान से ही कर्म अविद्या की निवृत्ति होगी विरोधी होने से। और इस कारण से कर्म और ज्ञान भी का भी क्या है? विरोध ही है। कर्म और ज्ञान का भी क्या है? विरोध है। इसलिए जो कर्मी है वो ज्ञान का अधिकारी नहीं है, और जो ज्ञान का जिज्ञासु है वो कर्म का अधिकारी है। समझ आया? इसलिए जो कर्म किए करते थे तो साधक अवस्था में ही सारे कर्मों का अनुष्ठान आदि करा करके सकाम भाव से, निष्काम भाव से जब चित्त शुद्ध हो गया और जब सबसे वैराग्य हो गया, तब वो साधन संपन्न हो करके है ना, तब ज्ञान का अधिकारी होता। अब होता ये है कि ज्ञान के साथ साथ कर्म भी चलते रहते हैं। अब शरीर में अहमता ममता रखते हुए ज्ञान का श्रवण करे, मनन करे तो कोई लाभ नहीं होगा ना। शरीर में अहमता ममता रखते हुए, संसार में अहमता ममता रखते हुए,
ज्ञान के श्रवण मनन से आत्मा का अपरोक्ष अनुभव होगा क्या? ज्ञान का श्रवण मनन के द्वारा अपरोक्ष अनुभव उसी को होगा जो सब ओर से उपराम हो गए, है ना? जो सब ओर से क्या हो गया, सारी आसक्ति जिसकी गलित तो हो गई, बाह्य जो राग है वो निवृत्त तो हो गया है, उसको ही श्रवण मनन फलदायी। और जिसकी राग बना हुआ है, अहमता ममता बनी हुई है, और अहमता ममता को सुरक्षित रखते हुए ज्ञान के विचार से आत्मा का अपरोक्ष अनुभव नहीं होगा। तो वही बताया था ना आपको कि 3 मीटर चढ़ते हैं और 5 मीटर फिसलते हैं। जो 3 मीटर चढ़े हैं और 3.25 मीटर फिसले, क्या होगा? पहुंचेगा और क्या होगा? वैसी स्थिति, समझ आया? ज्ञान का श्रवण भी करे, मनन भी करे, लेकिन शरीर शरीर के संबंधी उनमें अहमता ममता भी रखे, संसार के पदार्थों की लालसा भी रखे, उनका लोभ भी रखे, राग भी रखे, तो इस ज्ञान के द्वारा उसको अपरोक्ष अनुभव नहीं, क्योंकि ये विरोधी है ज्ञान का जो अधिकारी है। इसलिए देखो, अतो ज्ञानेना एव अज्ञान निवृत्ति ही, इसलिए ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। तज ज्ञानम कुता इति चेत, वह जो ज्ञान है वो कैसे होता है जी? क्या पता लगा? ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है। वो ज्ञान कहाँ कैसे होता है? तो कहते विचारा देवा भवती, विचार इससे होता है ज्ञान। विचार इससे होता है, जब विचार करेंगे तो संसार के स्वरूप का भी ज्ञान हो जाएगा, जीव के स्वरूप का भी ज्ञान हो जाएगा, और ब्रह्म के स्वरूप का भी ज्ञान हो जाएगा। विचार, और विचार करते नहीं, संसारी लोग संसार में रहते हैं, जन्म लेते हैं, खाते पीते हैं, कमाते हैं, चलते फिरते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, सब कुछ करते, लेते देते सब कुछ करते, पर क्या नहीं करते? विचार। क्योंकि विचार करने के लिए बुद्धि पर जोर डालना पड़ेगा, और क्या जोर डालने वाले काम हम किया नहीं करते? जोर डालने वाले काम नहीं किया। तो जब जोर डालेंगे बुद्धि पर, विचार करेंगे, तब क्या पता लगेगा कि संसार के सारे पद पदार्थ नाशवान, परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है, असार है, दुख रूप है, बंधन रूप। जबकि विचार नहीं करता तो इससे उलट निश्चय बना रहता है। निश्चय क्या रहता है? उल्टा रहता है ना। विचार नहीं करता तो संसार ही सार है, संसार ही सुखरूप है, संसार ही जीवन का लक्ष्य है, संसार को पा लेना यही सौभाग्य और यही महानता है, संसार में उन्नति करना, उत्कर्ष प्राप्त करना, यही क्या है? यही महानता है, ऐसा समझता है ना।
लेकिन जो विचार करता है, विचारवान, वो जानता है कि ये सब का सब तो तुच्छ है। सब का सब क्या है? असार ही है, दुख रूप ही है। विचार की बात, तो विचार करने से, संसार का विचार करने से संसार की मोह और आसक्ति छूट जाती। मोह छोड़ना है या नहीं? महाराज, मोह का महल बनाया है, चुन चुन पत्थर महल चिनाया। मोह का महल बनाया है ना? नहीं बनाया? क्यों जी? एक एक ईंट जोड़ी है, जोड़ जोड़ करके क्या किया? मोह का महल बनाया। अब कहते इस महल को क्या करो? गिरा दो, छोड़ दो। सहज नहीं है ना? तो विचार करेंगे तो क्या होगा? ये महल गिर जाएगा, मोह का महल, मोह का, आसक्ति का जो महल है वो गिर जाएगा। विचार, केवल विचार नहीं करना। विचार करना बड़ा कठिन है, जप करना सरल है, ध्यान करना सरल है, यज्ञ करना, तीर्थ करना, व्रत करना, सब कुछ करना क्या है? लेकिन विचार के बिना जगत की जो जड़े कहाँ है? जगत इसकी जड़ कहाँ है? संसार की। संसार की जड़ बाहर नहीं है, संसार की जड़ कहाँ है? इसको कहाँ से मिल रहा है? हवा, पानी, खुराक कहाँ से मिल रहा है? आपके चित्त से, आपके हृदय से मिल रहा है ना। इस संसार की जड़ कहाँ है? आपके हृदय में। विचार के द्वारा ही क्या करेंगे? इसकी जो जड़े है वो निकलेगी। बहुत जड़े हैं, जैसे कहीं से फूट जाता है ना, विचार के द्वारा। मोह, लोभ, स्वार्थ, आसक्ति, अहमता, ममता, ये सब क्या है? जड़े। सत्य बुद्धि, सार बुद्धि, सुख बुद्धि, प्रिय बुद्धि, ये सब जड़े। देख लो, इस संसार वृक्ष को सुखाना हो तब भी क्या करो? पानी देना बंद, तब क्या होगा? ये संसार वृक्ष सूख जाए। उखाड़ना हो तो उखाड़ डालिए जड़ से, विचार से। इससे संभव है? विचार से। विचार के द्वारा मोह, अरे भाई, जिनका मोह करता है सबके सब अपने अपने कर्म भोग के लिए आए हुए हैं, सब स्वतंत्र ही है, हैं? और इसलिए सबसे प्रेम करो। लेकिन मोह लेन देन ही तो है क्या? लेकिन कहता क्या है कि ये क्या है? मेरा है। ये बेटा किसका है? मेरा है। बेटी किसकी है? मेरी। मेरा होता है ना, यही मोह। तो विचार के द्वारा मोह और आसक्ति क्या हो जाएगी? गलित हो जाएगी, संसार के विचार से। और अपने स्वरूप के विचार से क्या होगा? अपने आप की ब्रह्म रूपता का बोध होगा, विचार से ही होगा। इसलिए बोला है ना, तज ज्ञानम कुता इति चेत। यह जो ज्ञान है ये कहाँ से होता है जी? कैसे होता है? तो क्या बताया है? विचारा देवा भवती, विचार से ही ज्ञान हो। इससे विवेक चूड़ामणि में कहा था ना, वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। वस्तु की, तत्व की, वस्तु माने तत्व की, सत्य की, परमात्मा की प्राप्ति विचारेण, केवल न किंचित कर्म कोटि भी। करोड़ों कर्म और उपासना से वस्तु की, तत्व की, परमात्मा की प्राप्ति नहीं।
करोड़ों कर्मों से, करोड़ों उपासनाओं से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्म प्राप्ति तो केवल किससे होगी? विचार, क्योंकि परमात्मा तो प्राप्त ही है, परमात्म रूप ही है। वास्तव में क्या है? परमात्मा है, लेकिन परमात्मा बुद्धि में अज्ञान के आ जाने से अपने को क्या मान रहा है? जीव मान रहा है। क्या मान रहा है? इसके लिए कोई वो नहीं किया गया, कोई जाल बिछाया गया हो, पहले से कोई तैयारी की गई। जैसे आप सब, आपको सपना दिखता है, क्या दिख जाता है? तैयारी करते हो। वो जो आपको स्वप्न दिख गया, जाल बिछाया था क्या? तैयारी की थी क्या? योजना बनाई थी क्या? क्या किया था? क्या किया था? सहज ऐसी दिख गया, और उसमें आपने क्या बहुत क्लेश पाया, बहुत दुख पाया, बहुत अपमानित, बहुत तिरस्कृत, बड़ी ही आपकी क्या हुई? निंदा हुई, अपयश हुआ। इतना दुख पाया और नींद टूटी तो क्या है? तो वैसे ही है ये जो ब्रह्म में अज्ञान माया और उसमें ये जगत रूप स्वप्न, इसके लिए कोई जाल बिछाया गया हो, कोई योजना बनाई गई हो, किसी ने कोई षड्यंत्र किया हो, ऐसा कुछ भी अनायास ऐसी अब दिख गया है, इलाज कर लो। इलाज क्या है? ये विचार ज्ञान यही इलाज है, और ये होते ही फिर ये क्या है? ये ब्रह्म रूप ही है, परमात्मा ही है ना। तो परमात्मा क्या हो गया? अपनी महिमा को भूल गया। परमात्मा क्या हुआ? और भूला भी कुछ नहीं है, भूल भी नहीं सकता है। ऐसा माया छाई अपनी ही कि अपने को जीव मान के और अज्ञानी बन गया, जबकि अपने में ना अज्ञान आ सकता, ना जीवत्व आ सकता, ना माया आ सकती। लेकिन भ्रम से तो कुछ भी भासने लग जाता है। भ्रम से क्या भासने लगता है? कुछ भी भासने। मेरा सर कटा हुआ है, मेरी गर्दन कटी हुई है, ऐसा आप कौन कर रहा है? हाँ, जगा हुआ है और क्या कह रहा है? शीशे में देखा क्या, मेरी तो गर्दन कटी हुई है। हो गया ना भ्रम। क्या दिख रहा है शीशे में? टूटा हुआ था शीशा, और छाया है, छाया कट गई तो क्या? और छाया नष्ट हो गई तो क्या हुआ? भ्रम कि मैं तो इतना बड़ा हूं, या फिर मैं तो मर गया, छाया नष्ट हो गई ना। तो वैसे अनायास जैसे स्वप्न ऐसे ही वासने लग जाता है, वैसे ही आप परमात्मा में ये माया अज्ञान और ये जगत और ये जीवपना ऐसे ही वासने लग गए। तो गुरुदेव की कृपा, उससे क्या होता है? उनके द्वारा जो ज्ञान, उस ज्ञान से ये अज्ञान आवरण हट जाता है, ये जानता है कि मैं तो क्या हूं? ब्रह्म सच्चिदानंद। ऐसी बात है, समझ आया? तो ये सब जो है विचार की बात है, विचार इसके द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, क्योंकि परमात्मा प्राप्त ही है। जो अविचार आ गया, उस अविचार को विचार से हट जाता है। अविचार क्या आ गया? कि मैं जीव हूं, बंधन में हूं। ये अविचार विचार के द्वारा हट गया, तब क्या देखा? कि ना मैं जीव नहीं हूं, ना हम जीव परम ब्रह्मा, मैं जीव नहीं।
नहीं हूँ मैं तो परम ब्रह्म। किससे होगा ये? विचार। विचारादेव आत्मानात्म विवेक विषय विचाराद भवति। क्या है? आत्मा अनात्मा का जो विवेक विषय, इनके विचार से ही होता है, है? आत्मा अनात्मा का जो विवेक है, तो विवेक का जो विषय वो किसके द्वारा? विचाराद भवति। ये विवेक किससे होते? विचार से ही होती है कि ये अनात्मा है और ये जो दृश्य है, जो जड़ है, जो दुख रूप है, जो असत है, वो अनात्मा है। जो सत है, जो चिद है, जो आनंद रूप है, जो साक्षी है, वो क्या है? वो आत्मा है। किससे पता लगता है? विचार। आत्मानात्म विवेक विषय विचाराद भवति। आत्मा अनात्मा का विवेक जो है वो विचाराद भवति, विचार से ही होता है। इससे होता है तस्मिन विचारे कोवा अधिकारी। अच्छा जी, इस विचार में अधिकारी कौन है? आत्मा अनात्मा का जो विवेक विषय है, इसका विचार करने का अधिकारी कौन है? कौन कर सकता है विचार? कौन है अधिकारी? कौन है पात्र? वास्तव में क्या होना पड़ेगा? पात्र होना पड़ेगा ना। अधिकारी वैसी योग्यता हो, वैसी क्या है? हाँ, वैसी योग्यता आए, पात्रता आए। कौन है जी आत्मा अनात्मा के विवेक विषय के विचार में अधिकारी? कौन है? तो कहते साधन चतुष्टय संपन्ना अधिकारी। क्या बोला है? साधन चतुष्टय से संपन्न जो है वही अधिकारी। क्या है? साधन जो चतुष्टय, चतुष्टय माने चार, चार साधन से जो संपन्न है वही क्या है? वही अधिकारी, वही वास्तव में विचार करने में समर्थ हो सकता है। वही तो कर पाएगा विचार। कौन कर पाएगा? अब जैसे सोने का विचार कौन कर पाएगा कि ये जो है शुद्ध है या इसमें खोट मिला हुआ है? कौन कर पाएगा? सुनार ही ना। कौन कर पाएगा? इस मिट्टी से अच्छे बर्तन बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसका विचार कौन कर पाएगा? आप कर पाएंगे? हमें पता लगेगा कुछ? इस पत्थर में मूर्ति है और मैं इस पत्थर से मूर्ति प्रकट कर सकता हूँ, कौन कर पाएगा? मूर्तिकार ना। हम कर पाएंगे है? जिसको जिस विषय का ज्ञान होगा वही तो कर पाएगा ना। वैसे ही कह रहे हैं कि विचार कौन कर पाएगा? अधिकारी कौन है? जो साधन चतुष्टय से संपन्न है वही विचार कर पाए। तो संसारी लोग विचार कर पाते हैं क्या? संसारी तो मोह का, लोभ का, स्वार्थ का, इनका ही विचार कर सकते हैं ना। जो साधन चतुष्टय से संपन्न वही विचार कर पाएगा। साधन चतुष्टय जरूरी है। अधिकारी साधन चतुष्टयम नामा। हाँ जी, साधन चतुष्टय कौन है? कौन कौन से? हाँ, साधन चतुष्टय पूछ रहे।
जो साधन चतुष्टय से संपन्न है वही विचार कर पाएगा। इस बात को गांठ मारना, संसारी विचार है? सब्जी मंडी में तो सब्जी वाला है वो सब्जी का विचार करेगा है? जो पाकशाला में रसोईया है वो भोजन का विचार करेगा, वही कर सकता है ना। लेकिन आत्मा अनात्मा का जो विवेक है, इसका जो विचार है, वो कौन कर पाएगा? जो साधन चतुष्टय से संपन्न। साधन चतुष्टय क्या क्या है जी, पूछ रहे हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक पहला है, इहा मूत्र फल भोग विराग दूसरा, तीसरा है समाधि षट संपत्ति, चौथा मुमुक्षुत्वं चेति। नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य क्या है और अनित्य क्या है, ऐसा वस्तु का जो अलग अलग इनको जानना है, इसी का नाम विवेक। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इनको अलग अलग कर लेना, समझ लेना, इसी का नाम विवेक। सब कुछ अनित्य है, संसार में क्या है, सब कुछ अनित्य है। परमात्मा से भिन्न, चेतन तत्व से भिन्न, लोक परलोक सूरज चांद ब्रह्मांड सब कुछ क्या है, सब कुछ अनित्य। ऐसा जो समझ है इसी का नाम विवेक। फिर विवेक तो हो गया, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा पता लग गया कि भाई सब कुछ अनित्य है, लेकिन नित्य का अनुभव नहीं है अभी। क्या है, नित्य का अनुभव नहीं है, लेकिन पता लग गया कि परमात्मा नित्य है और बाकी सब संसार लोक परलोक तक सब अनित्य है, इसी का नाम विवेक। दूसरा क्या है, वैराग्य। इहा मूत्र फल भोग विराग, यहाँ के, यह माने यहाँ के, और अमूत्र माने परलोक के। सब स्वर्ग की बड़ी वो रहती है, सबको क्या है, स्वर्ग की लालसा है ना, क्या है, सारे धर्मों में स्वर्ग की बड़ी महिमा गाई हुई है। क्या होगा जी, स्वर्ग है। स्वर्ग में क्या है, खूब जो है ऐश्वर्य विषय भोग है, और जितनी इच्छा हो उतनी इच्छा, जो भी इच्छा करो वही पूरी हो जाती है, और खूब भोग भोग। तो स्वर्ग के लिए चाहे हिंदू हो है, चाहे मुस्लिम, मुस्लिम में तो क्या कहते हैं, क्या मिलेगी, 70 हूर है, जन्नत में जावे। हाँ, वैश्यत कह रहे हैं जी, वैश्यत में जाएगा, सॉरी में जाएगा, जन्नत है ना, तो वहां पर क्या है, 70 हूर और असंख्य जो है हर प्रकार के भोग सामग्री, और सब क्या, सब आनंद, सब सुख। मुस्लिम बड़ा, इसलिए क्या करते हैं, काफिरों को मार दो, क्या मिलेगी, जन्नत मिलेगी, क्या मिलेगी, सब जगह जो है वो अल्लाह ही अल्लाह का वो हो गए, सब मुस्लिम हो जाए, बाकी सब को मार डालो, ऐसा है?
तो बड़ा वो उनको होता है कि स्वर्ग मिल जाएगा, इसी तो सब क्या करते हैं वो बंदे ना लड़ाके आतंकवादी हैं, मर जाते हैं, जन्नत मिलेगी, अल्लाह जो है जन्नत बख्शे। ऐसी ईसाइयों में क्या है, हेवन, क्या है हेवन है, वहां पर क्या है गोड है, और गोड ने जो भेजा है अपना पुत्र भेजा है क्या करने के लिए, सबको रास्ता दिखाने के लिए, गोड के पास आने के लिए। खूब विचार है सब जगह, सभी धर्मों में स्वर्ग का इतनी महिमा का, ये सब लिखते ही क्या है स्वर्गीय, क्या लिखते हैं स्वर्ग में चला गया, ऐसा ऐसा बताते हैं। तो उसके लिए भी कह दिया है स्वर्ग के जो भोग है उनसे भी वैराग्य, क्योंकि स्वर्ग भी अनित्य है, इस जीव को पुण्यों के से प्राप्त होता है, क्या होता है, और पुण्यों की समाप्ति होने पर फिर पटक दिया जाता है इस मनुष्य शरीर में, जाओ फिर कमा के आओ, फिर कमा के आया होटल में कुछ दिन रहा और पैसे खत्म, फिर फेंक दिया, चल लेके आ। तो स्वर्ग तो एक होटल की तरह है ना, जहाँ पर क्या है खूब कुछ भी ऑर्डर दो वही मिल जाएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, पे करो और कुछ भी लो, वैसा। इस तरह जो स्वर्ग के भोग है, जो क्या है सुने हुए स्वर्ग के भोग, क्या किए हुए सुने हुए, उनसे भी वैराग्य हो। इह अमुत्र फल भोग विराग, इस लोक के और परलोक के जो फल है विषय है, उन विषयों का जो भोग है उसमें क्या हो वैराग्य हो, कि वे भी सब के सब है तो सीमित ही, क्षणिक है, सीमित है, परिवर्तनशील है और नष्ट हो जाने वाला, एक दिन क्या हो जाता है स्वर्ग से भी पतन हो जाता है। स्वर्ग से क्या होता है, कहते हैं कि स्वर्ग में अमृत है, क्या बोलते हैं, यदि स्वर्ग में अमृत होता तो पतन क्यों होता, क्यों जी, स्वर्ग में अमृत होता तो पतन होना चाहिए क्या, फिर क्यों आता, क्यों गिरता स्वर्ग से, तो ये सब ऐसी ही है झूठी बातें हैं। अमृत कहाँ है, कहते सत्संग ही अमृत है, अमृत क्या है, सत्संग ही अमृत है, जो मरण धर्मा को क्या बना देता है अमृत बना दे, तू मरता नहीं भाई, क्या बना देता है अपने आप को, क्या मान रहा था मैं मर जाऊंगा, और जब सत्संग सुना तब पता लगा कि मैं तो कभी मरता ही नहीं, मैं तो अमृत रूप हूं, क्या हूं ना मृता, मृत मृत नहीं अमृत, क्या अमृत, जो मरता ही नहीं है, अमृत हूं ना मैं, मृत नहीं हूं। तो ये जो सत्संग है ज्ञान है यही तो अमृत है, क्या बना देता है आपको, अमृत बना देता है, मुक्त बना देता है, बाकी स्वर्ग में कोई अमृत नहीं है, इस भ्रम में मत रह जाना, स्वर्ग में अमृत होता तो पतन नहीं होता, स्वर्ग स्वयं मृत है, स्वर्ग भी मर जाता है, स्वर्ग ही मर जाता है, बाकी की तो छोड़ ही दो। इसलिए इस लोक के परलोक के जो भोग है उनमें वैराग्य का होना, ये सब के सब नष्ट होने वाले, सब के सब क्या है, अच्छा एक चीज आपको बताओ, पूरी स्वतंत्रता थी आप, और फिर कहीं भी जाते थे, घूमते थे, पहाड़ पर चढ़ते थे,
दूर घूम के आते थे, एक कमरे में बंद कर दिया जाए यार तो क्या होगा, आनंद आएगा आपको? आनंद आएगा क्या? हमारे जैसों के साथ मत कर देना ये गलती, हमारे जैसों को तो आनंद आएगा, बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रहे हुए हैं ना हम तो महीना महीना भर रहे हुए बिल्कुल बिना किसी से मिले जुले। जिसको अभ्यास है, जिसको समझ है, उसके लिए कठिन नहीं है। बाकी संसारी के लिए जो सब जगह घूम रहा था, फिर रहा था, तो उसको क्या कर दिया? तो वैसे ही होता है ना, ये जीव था कितना स्वतंत्र था, और पेट में बंद कर दिया जाता है, पेट की कोठड़ी में, तब क्या क्या बीतती है इसके ऊपर, क्या बीतती होगी सोचो आप। अरे पशु था, पशु जो सारे में घूम रहा था प्लाट में, उसको खूंटे से बांध दो उसी में, उसको कितनी बेचैनी होती है। और ये तो इतना स्वतंत्र था, देश विदेश घूमता था, सब जगह घूमता था, और उठा के क्या कर दिया, एक पेट में बंद कर दे, पेट की कोठड़ी, कोठड़ी कैसी, अंधेरी कोठड़ी, अंधेरी कोठड़ी में बंद कर दिया, क्या हालत होती है, क्या बीतेगी इसको, तो दुख रूप ही हुआ ना। तो स्वर्ग में तो खूब आनंद लिया, और फिर वहां से पटक दिया गर्भ में माता के पेट में, तब क्या हालत होती है इस जीव की, कितना स्वतंत्र था। तो कहने का भाव है स्वर्ग भी दुख रूप ही हुआ ना, तो इस कारण से इस लोक और परलोक के सब भोगों से जिसको क्या हो गया, वैराग्य हो गया। ये दूसरा साधन, चार साधन बताए ना, साधन चतुष्टय से जो संपन्न होगा वही विचार करेगा, फल भोग विराग समाधि षट संपत्ति, और छह संपत्ति आपको बताएंगे आगे। यहाँ पर तो खाली नाम नाम है ना, यहाँ पर नाम है, विचार आ गए। छह संपत्ति होनी जेब में, क्या होनी चाहिए बिना संपत्ति के, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ सद्गुण ही तो संपत्ति है। संपत्ति क्या है, जैसे विवेक है संपत्ति, संतोष है संपत्ति, बहुत धनी है, पेट में टुकड़ा नहीं, जेब में ढेला नहीं, पर क्या है, भूख से तड़प रहा है, पर क्या है, बहुत संपन्न है। कौन, विवेक और संतोष जिसके पास है, इतना सब होते हुए भी वो क्या है, बहुत संपन्न, बहुत धनी है। और जिसके पास पेट भरा हुआ है, खट्टी डकारे आ रही है, हैं, और रसोई में विविध पकवान तैयार है, रसोईया और भी बनाने में लगा हुआ है, घर में अनाज के और धन के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन विवेक और संतोष नहीं, उसके बराबर कंगाल कोई है क्या? क्यों जी, कंगाल है क्या? भूख नहीं है लेकिन खाने की तृष्णा तो है, तृष्णा नहीं तो मारा हुआ है ना। अब रोग क्यों, तृष्णा के कारण है, शरीर में रोग हो जाते हैं, किस लिए होते हैं, यदि मन में रोग है, तन में रोग है, किसके कारण है, तृष्णा के कारण है ना। शरीर तो अब ठीक, शरीर तो अपने आप ही ठीक, अपने आप ठीक कर लेते हैं, अपने आप को डॉक्टर चाहिए इसको, अच्छा इसको हॉस्पिटल चाहिए, नहीं आदमी के अलावा है किसी का हॉस्पिटल, है कोई बीमार बताओ, कोई बीमार हो तो इतने जीव जंतु है, पर सब के सब दवाई खाएंगे, बीपी की, थायराइड की, शुगर की है, और क्या, ये तो वो है, ये तो भोजन है, ये तो भोजन है कणा, दवाई तो भोजन है कणा, अंग है ये तो भोजन का, आश्चर्य है। तो ये सब रोग क्या, किस लिए, तृष्णा के कारण,
इसके कारण विवेक नहीं, संयम नहीं, संतोष नहीं, इसी कारण से रोग है। थोड़ा सा संतोष होवे तो क्या है, शरीर तो अपने आप ही अपने आप वो कर लेगा, अपना उपचार करता ही है ना, सब कुछ तो अपने आप ही कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हो, आप तो इतना उठाते हो अंदर डाल देते हो बस, बाकी सब काम तो कौन कर रहा है। उस खाए पिए का रस बनना, रक्त बनना है, मांस बनना, मेद बनना, मज्जा बनना, शुक्र बनना, ये सब आप कर रहे हो क्या? आप क्या कर रहे हो बताओ, उठा करके बस इतना ही काम तो करते हो, और भी जीव के लालच में करते हो। इसका लालच है जीव जी, बाकी तृष्णा, इसकी तृष्णा है, इस तृष्णा ने दुखी की, अन्यथा कैसे रोग हो। तृष्णा के कारण से रोग है, दुख है, समझ आया। तो जिसके पास विवेक हुआ, संतोष हुआ, वो धनी है, और जिसके पास ये नहीं है तो वही बताया ना मैंने आपको, भूख तो है नहीं। अब भूख होवे कैसे, जो परिश्रम करेगा भूख तो उसको लगेगी, कितना अच्छा प्रकृति का नियम है, जो करेगा वही खाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं खाएगा, और खाएगा तो मरेगा, इतना अच्छा नियम है प्रकृति का, जो करेगा वो खाएगा, खाएगा और स्वस्थ और बलिष्ठ रहेगा, और जो नहीं करेगा वो खाएगा कैसे, और खाएगा बिना किए खाएगा तो मरेगा, नहीं एसिडिटी हो गई, सबको ही रहती है आजकल, नहीं क्या हो, पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो जाती। असंयम, असंतोष, तृष्णा, खाने की तृष्णा, तृष्णा से ही तो है ना, धन की तृष्णा, पद की तृष्णा, सम्मान की तृष्णा, तृष्णा ने सबको क्या किया हुआ है, अशांत किया हुआ है। देखा भरतरी जी ने, तृष्णा न जीर्णा वयमेव, बूढ़े जितना होते उतनी तृष्णा बढ़ती है, बूढ़े मरना नहीं चाहते, बूढ़े कमजोर हो रहे हैं, कमजोर ना हो जाऊं इसलिए क्या करूं। अब ये पता नहीं जितना ज्यादा खाएगा बूढ़े उतने जल्दी बूढ़ा होगा, बूढ़ों का उल्टा ही सिद्धांत है, बूढ़े लड्डू बनवा कर रखेंगे है, बूढ़े बड़े बड़े भी इसी काम करते हैं कि क्या हूँ कमजोरी ना आ जाए, मर ना जाऊं। अब ये पता नहीं कि बूढ़े जितना खाएगा उतना मरेगा, नहीं खाएगा उतना जिएगा, हाँ। और बुढ़ों को बड़ा रोग होता है, बुढ़ों की तो अपनी अलग ही दुनिया होती है, देखिए बुढ़ों की दुनिया है, बुढ़ों का तो ये भी खा ले और ये भी खा ले और ये भी पाल ले और ये भी पाल ले, और पछता कुछ नहीं तब है, पछता नहीं है तो। लेकिन तृष्णा, अब जो पचा नहीं उसको पचाने के लिए शरीर में शक्ति, शरीर की शक्ति भी लग गई, और वो पचा भी नहीं शरीर को, उससे कुछ मिला भी नहीं, तो नुकसान हुआ फायदा हुआ, खाने का फायदा हुआ नुकसान हुआ, ये बताओ, खाने का नुकसान होता है, खाने का फायदा नहीं होता है, और कम खाने का और नए खाने का क्या होता है, क्या होता है फायदा, कम खाने से पाचन ठीक रहेगा और शरीर को सब कुछ मिलेगा और रस रक्त आदि सब कुछ मिलेगा, और नए खाने से तो क्या होगा, जो शरीर में दोष एकत्रित हो गए हैं, वात पित्त कफ आदि जो भी दोष, वो सब के सब दोष क्या हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। इसी तो लंघन को परम औषधि कहा है ना, लंघन, नए खाना, इससे क्या है जो भी शरीर में रोग होंगे। कोई आदमी जैसे किसी की त्वचा या कुछ भी बहुत भद्दा हो गया हो, इसी कारण से होता है कि भोजन पच नहीं रहा है और फिर भी खा रहा है, खाना छोड़ दे तो क्या होगा, स्किन अपने आप ही रिपेयरिंग शुरू,
अपने आप ही सब ठीक हो जाता है, नहीं हो जाता है? सब कुछ तो महिमा इसी की है ना, अग्नि की महिमा है अग्नि, और ज़्यादा खाने से अग्नि मंद हो जाती है, ओवर हो गया, ओवर, समझ गए? हाँ, तो ऐसी दिमाग में भी ओवर हो रखा है, बुद्धि में क्या हो रहा है, ओवर होने से हर समय बेचारा अशांत है, चिंतित है, दुखी है। तो तृष्णा नहीं होनी चाहिए, समझ आ गया? चाहे खाने की तृष्णा हो, चाहे पाने की तृष्णा, पाने की तृष्णा पद पैसा प्रसिद्धि पाने की तृष्णा ने दुखी किया हुआ है, और खाने की तृष्णा ने क्या किया हुआ है, अशांत तो किया हुआ है, साथ ही साथ शरीर को रोगों का घर बनाया हुआ है खाने की तृष्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं होती, बुढ़ा बुढ़े जीर्ण हो जाते हैं, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भरतृ जी कह रहे हैं, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, और बुढ़ों की तृष्णा तो और क्या होती है, और युवती होती है, जवान होती है बुढ़ों की, बुढ़े तो नई नई चीजें सोचते हैं, नहीं? हाँ, बुढ़ापे में व्यापार सारी अकड़ी बुढ़ापे में आती है, आदमी को लगता है अब तक तो कुछ नहीं किया, अब करूँगा व्यापार तो करना, अब आया बुढ़ा था एक, दूर देश भी गया, विदेश भी गया, क्या क्या व्यापार करेंगे, क्या वहाँ जो है पहाड़ी से वो लेंगे, क्या लेते, खदान क्या होती है वो, हैं, पहाड़ी से वो ले लिए जाते हैं ना सरकार से ठेके, खदान, और उसमें से धातुएं निकालेंगे, हैं, चूना निकालेंगे, पता नहीं क्या क्या निकाल, बूढ़े थे कहीं दो तीन बूढ़ों ने मिलके प्लानिंग बनाई थी हमारे सामने, बूढ़ों ने प्लानिंग बनाई, देश विदेश गए भी, ऐसे बूढ़े तो तृष्णा और ज्यादा जवान होती बुढ़ापे में, बुढ़ापे में क्या होता है, हाँ ये कर दूँ वो कर दूँ पता नहीं क्या क्या कर दूँ, अरे हो गया करेंगे जो पैदा हो गए, अपने आप सबका अपना अपना प्रारंभ दें, भूखे मरना होगा तो भूखे मरेंगे, तू चाहे 1 करोड़ क्या अरब धर के चला जाइए, उन यदि प्रारंभ भूखे मरना तो भूखे मरेंगे, हाँ तो यही चलता रहेगा, पर ये तृष्णा है ये क्या होती है, बलिष्ठ। अच्छा जी, संपत्ति होनी चाहिए, संपत्ति क्या है, सदगुण ही संपत्ति है, 6 संपत्ति आपको गिनाएंगे, आगे आएगी, शामा दामा तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्ति जिसके पास होगी वही विचार कर सकता है, 4 साधन हो, चौथा साधन क्या बताया है, मुमुक्षुत्वं चेति, और मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की ये 4 साधन हैं, किसके, विचार, और विचार से क्या होगा, ज्ञान, और ज्ञान क्या हो जाएगा, ज्ञान होने से आत्मा ब्रह्म का एकत्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रह्म आत्मा का एकत्व किससे होगा, ज्ञान से, ज्ञान किससे होगा, विचार से, विचार करने कौन कर पाएगा, जिसके पास जो साधन चतुष्टय से संपन्न हो वही विचार कर पाएगा, साधन चतुष्टय कौन कौन, विवेक, नित्य अनित्य का विवेक, इहा मूत्र फल भोग विराग, इस लोक के और परलोक के जो भोग है विषय है उनसे वैराग्य का होना, 6 संपत्ति, और चौथा है मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा, चौथा क्या है, मोक्ष की इच्छा। तो जो इन 4 साधनों से संपन्न है वही विचार कर पाएगा, और वही ज्ञान
पाएगा और ज्ञान के द्वारा अज्ञान की अविद्या की निवृत्ति हो जाने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। समझ आया? ये जो है ये प्रक्रिया है वेदांत ज्ञान की। ये जो दर्शन है ना वेदांत दर्शन, इसकी क्या है? ये जो क्रिया है, सिद्धांत बता दिया है किस तरह है। केवल ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति हो सकती है, कर्म और उपासना से नहीं। और अज्ञान की निवृत्ति होने से ही सारे बंधनों से मुक्त हो पाए। अन्यथा दुख शरीर बंधन सब बने हुए। समझ गए? तो समझ गए तो आज इतना ही रखो, बाकी का विचार कल करेंगे। ओ